नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे साल 2020 में गुजरात के बहुचर्चित डबल मर्डर केस की, जिसमें गैंगस्टर सूर्या मराठी और हार्दिक पटेल की आपस में वाद विवाद को लेकर मौत हो गई। साथ के साथ हम कटाक्ष टीवी के माध्यम से आपको बताएंगे कि सूर्या मराठी की मौत के कारण क्या रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड कहानियां और अपडेट इस चैनल पर आती रहती हैं। चलिए आते हैं कहानी पर। सूर्य मराठी का जन्म महाराष्ट्र और गोवा के बीच पड़ने वाला समुद्री इलाका कोकण के एक गांव में हुआ। वैसे तो कोकण इलाका शुरू से ही जाना पहचाना रहा है। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम कोकण में पड़ने वाले एक गांव का ही रहने वाला था, और वहीं बहुत से महाराष्ट्र के दिग्गज नेता इस इलाके से निकले हैं। सूर्य मराठी की गुजरात की जिंदगी जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे कोकण में जन्म होने के बावजूद सूर्य मराठी सूरत पहुंच गया। तो बात है साल 1982 की, जब दत्ता सावंत ने मुंबई की कपड़ा मिलों में हड़ताल कराई थी, जिसमें एक कोकण की बहुत बड़ी आबादी काम करती थी। इसमें जो ज़्यादातर मिलों के मालिक थे वो गुजराती थे, और लगातार हो रही हड़तालों और कम प्रोडक्शन की वजह से मिलों के मालिकों ने गुजरात में एक नया सेटअप तैयार किया। अब है जब गुजरात में शिफ्ट हुए तो उनके खास रहे और ईमानदार बहुत से मराठी मजदूर भारत से गुजरात चले आए, जिसमें खासकर सूरत में एक ठीक ठाक आबादी का इलाका मराठियों का बन गया। अभी इन्हीं कुछ लोगों में से सूर्या मराठी के रिश्तेदार भी थे। वैसे सूर्या मराठी का असली नाम सुरेश पवार, कोकण में पढ़ने वाले एक गांव का सूर्या मराठी, जिसकी पढ़ाई लिखाई केवल 10वीं तक हुई। सूर्या मराठी शुरू से ही उग्र स्वभाव का था। वह गाँव के ज़्यादातर लड़ाई झगड़ों में रहता था, और साथ के साथ वह कबड्डी खेल का शौकीन था। उसकी इन हरकतों से घरवाले काफ़ी परेशान थे। तो इसके बाद सूर्य मराठी के घरवालों ने फैसला लिया कि उसको सूरत में ही सेटल्ड एक रिश्तेदार के पास भेजने का। इसके बाद सूर्य मराठी सूरत आया, और सूरत आने के बाद सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान सुरेश पवार नाम को ख़त्म किया और एक नई पहचान बना ली, जिससे वह सूर्य मराठी हो गया। फिर सूर्य मराठी बैरोड के पास पड़ने वाली त्रुभवन सोसाइटी में रहने लगा। और अब सूर्य मराठी सूरत आ तो गया, पर उसके पास कोई कमाई का ऐसा कोई खास जरिया नहीं था, और ना ही सूर्य मराठी ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो जो कहीं उसे अच्छी जॉब मिल सके। फिर सूर्य मराठी उन्हीं रिश्तेदारों की मदद से ऑटो रिक्शा चलाने लगा, और कुछ दिनों बाद उसने अपना ऑटो रिक्शा ले लिया। अब धीरे धीरे सूर्य मराठी अपना ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे कमाने लगा। ऑटो रिक्शा चलाने वालों का जो ज़्यादातर काम होता है एक पैसेंजर को दूसरी जगह छोड़ने का होता है, जिससे कि उनका जो सामाजिक दायरा होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ऑटो रिक्शा चलाने वाले कभी तो चाय पीने के लिए, कभी खाना खाने के लिए ऐसी जगहों पर ज़रूर रुकते हैं, जिस वजह से उनकी लोगों में जान पहचान भी सी बन जाती है। और ऐसा ही कुछ सूर्या मराठी के साथ हुआ। सूर्या मराठी शुरू से ही उग्र स्वभाव का था, और लोगों में अपनी बात रखने का दम रखता था। अब इसी वजह से सूर्य मराठी की गुजराती कम्युनिटी और मराठी कम्युनिटी में जान पहचान बढ़ी। जब जान पहचान बढ़ी और उसके उग्र स्वभाव की वजह से अब लोगों को लगने लगा कि यह हमारे मसलों को हल कर सकता है। इसके बाद से ही बहुत से ज़मीनों के कब्जे, किराएदारों से मकान खाली करवाने जैसे केस इसके पास आने लगे। इसके बाद सूर्य मराठी अपने 4-5 रिक्शा चालक साथियों के साथ जाकर इन मसलों को सुलझाने लगा, और इन मसलों को सुलझाने के उसको पैसे भी मिलते थे। और फिर क्या, धीरे धीरे उसका इस इलाके में दबदबा बढ़ा, और आगे चलकर उसका वेरोड इलाके में मनु ढाहिया जैसे बदमाशों से संपर्क बना। मनु ढाहिया के साथ मिलकर सूर्या मराठी ने ज़मीनों की दलाली और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। साथ के साथ अपनी गैंग बनाकर उसी इलाके में रंगदारी भी वसूलने लगा। और अब धीरे धीरे जब उसका नाम बढ़ने लगा तो उसकी अपोजिट गैंग जो इसी काम को करती थी, मनु बारिया के साथ दुश्मनी भी हो गई। यह मनु बारिया और मनु ढाहिया दोनों अलग अलग शख्स थे। इसके बाद सूर्य मराठी और मनु बारिया के बीच छोटे मोटे कई गैंग वार हुए। अच्छा, सूर्य मराठी की गैंग में ज़्यादातर जो लोग थे वो मराठी ही थे। 4 अप्रैल 2016 में कतार गांव इलाके में मनु बारिया एक दुकान पर दाढ़ी बनवा रहा था, तो जब इसकी खबर सूर्य मराठी को पता लगी तो सूर्य मराठी अपने 4-5 साथियों के साथ जाकर मनु के पैर, सीने और सर में गोली मारकर हत्या कर देता है। मनु बारिया को मारने के बाद सूर्य मराठी का दबदबा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। और फिर इस केस में
सूर्य मराठी 2016 में जेल गया, पर वह जब भी जेल से पैरोल लेकर बाहर आता तो वह अपनी उसी सोसाइटी में दरबार लगाकर बैठता और अपने समाज के लोगों की समस्याओं को सुनता। साथ के साथ उसने राजे ग्रुप के नाम से एक संस्था ग्रुप शुरू की, जिसके जरिए वह बैरोड पर गणपति उत्सव का आयोजन करता था। साथ ही साईं बाबा मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहा था। मराठी समाज के जरूरतमंदों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया था। एक तरह से वह इन सामाजिक कार्यों को कर अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहा था। सूर्य मराठी की गैंग में जो 4-5 लोग थे वह मराठी थे, पर जो उनका सारा पैसों का जो लेन देन था और व्यवस्था को देखता था वह गुजराती था, जिसका नाम हार्दिक पटेल था। और 2016 में जेल जाने के बाद सूर्य मराठी गैंग का जो सारा कार्यभार था वो हार्दिक पटेल पर आ गया था, क्योंकि हार्दिक पटेल सूर्य मराठी का सबसे खास और राइट हैंड भी था, जिस वजह से उसके जेल जाने के बाद उसका सारा कामकाज हार्दिक पटेल ही देखता था। अब सूर्य मराठी से पीछे हार्दिक पटेल का उस इलाके में एक अलग दबदबा बनने लगा। तो आइए बात करते हैं सूर्य मराठी की मौत के बारे में, कि सूर्य मराठी की मौत के केस में दो थ्योरी बताई जाती है, जिसमें से एक जो आप सब जानते हैं और लगभग सारे YouTube चैनल पर व मीडिया साइटों पर उपलब्ध है, वह थ्योरी यह है कि सूर्य मराठी जब 2016 में मनुबारे हत्याकांड के मामले में जेल गया था और इसके बाद जब वह भी पैरोल लेकर बाहर आता था तो वह सीधा अपने खास हार्दिक पटेल के घर जाता था और वह हार्दिक पटेल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता था, और इसी छेड़छाड़ को लेकर हार्दिक पटेल की पत्नी ने प्राथमिकी FIR सूर्य मराठी के खिलाफ दर्ज कराई। प्राथमिकी FIR वह FIR होती है जिसमें ऐसे छेड़छाड़ के केसों में वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। इस पहली थ्योरी में यह सारे आरोप हार्दिक पटेल की पत्नी के हैं, और इसी बात को लेकर हार्दिक पटेल काफ़ी नाराज चल रहा था और सूर्य मराठी के लोगों को भाईगिरी का लालच देकर हार्दिक पटेल ने सूर्य मराठी की उसी के कार्यालय पर उसकी हत्या कर दी। अब इस केस में एक दूसरी थ्योरी भी सामने आती है। जब कटाक्ष टीवी ने इस केस की पड़ताल की तो कई सोर्स से पता चलता है कि जब 2016 में सूर्य मराठी जेल में गया था तो अपना सारा कार्यभार अपने खास हार्दिक पटेल पर सौंप दिया था। उसी के बाद हार्दिक पटेल का दबदबा बढ़ने लगा, जो हमें उस इलाके के सोर्सेज से पता चलता है कि हार्दिक पटेल सूर्य मराठी को मारकर खुद डॉन बनना चाहता था। फरवरी 2020 में मनु बारे हत्याकांड के मामले में बरी होने के बाद जब सूर्य मराठी जेल से बाहर आया तो हार्दिक पटेल को लगने लगा कि अब उसको फिर सूर्य मराठी का राइट हैंड बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वह सोचने लगा कि अब तक उसने नाम बनाया है वह सारा बेकार हो जाएगा। हार्दिक पटेल को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा तो होगा, इसलिए वह सूर्य मराठी को मारने की प्लानिंग में काफ़ी पहले समय से ही जुट गया। धीरे धीरे उसने सूर्य मराठी की गैंग के बदमाशों को भाईगिरी और ऊपर से उठने का लालच दिया और अपनी तरफ कर लिया। अब इसके बाद 13 फरवरी 2020 को जब सूर्य मराठी जेल से आने के बाद अपने कार्यालय पर मौजूद था तो वहीं हार्दिक पटेल अपनी तरफ किए सूर्य मराठी गैंग के बदमाशों के साथ उस कार्यालय पर पहुँचा। वहाँ जाकर हार्दिक पटेल ने अपने साथियों के साथ कुछ ही मिनटों में सूर्य मराठी पर एक के बाद एक चाकुओं से 53 वार कर दिए। जवाबी कार्रवाई में सूर्य मराठी ने उसके पास खड़े हार्दिक पटेल के प्राइवेट पार्ट और पेट पर 2 वार किए। इसके बाद जब वह सूर्य मराठी को मारकर बाहर निकले तो थोड़ी दूर चलकर हार्दिक पटेल गिर पड़ता है और ज़्यादा खून बहने से गंभीर चाकू के वार से हार्दिक पटेल की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस राहुल अपार्टमेंट और अन्य कई लोगों को इस साजिश में शामिल होने पर गिरफ्तार करती है, पर आगे चलकर इनमें से कई लोग इस केस में बरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा कहना यह है कि हमने आपके सामने दोनों थ्योरी रखी। हो भी सकता है कि दोस्तों जो मीडिया ने इस केस का रूप आपके सामने रखा है वह सच ना हो, इसलिए हमने इस केस की पड़ताल कर आपके सामने इस डबल केस मर्डर का दूसरा पहलू भी रखा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गुजरात के बहुचर्चित डबल मर्डर केस की, और इस केस में अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे जल्द अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।